Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. बाबा, ये मीनार कम से कम 1000 फुट ऊंचा है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। हम एक जजीरे पर हैं। हमारे चारों तरफ पानी है। आपकी तरकीब तो लाजवाब है, लेकिन हमारे पास यहाँ मोमबत्तियों और कुछ लकड़ियों के अलावा और कोई औजार भी तो नहीं है। फिर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फिर हम ये कैसे बनाएंगे? डीडलिस का आइडिया सुनने के बाद इकरिस ने सवालात की बौछार कर दी। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है। तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा है ना? बस मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। हम इन आज़ाद परिंदों की तरह यहाँ से उड़ जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे, डीडलिस ने अपने बेटे को भरोसा दिलाते हुए कहा। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों छत पर बिखरे पर साफ करके जमा करने लगे और मोमबत्तियों को पिघलाकर गोंद की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्हें जोड़ते रहे, ठीक वैसे जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं। वो दिन की रोशनी में काम करते और रात को हवा में मोम को सूखने के लिए छोड़ देते ताकि पूरा फ्रेम मजबूत हो जाए। फिर उन परों को लकड़ी की एक काठी से जोड़कर दोनों तरफ हैंडल बना दिए ताकि परों को हवा के रुख के मुताबिक मोड़ा जा सके। यूं तिनका तिनका करके डीडलिस ने परों के दो सेट तैयार कर लिए। कुछ दिन मौसम और हवा के दबाव का जायजा लेने के बाद उन दोनों ने अगले दिन वहां से निकलने का इरादा किया। बेटा, याद रखना, हमें दौराने परवाज एहतियात बरतनी होगी। अगर हम बहुत ऊंचा उड़े तो सूरज की गर्मी से परों पर लगा मोम पिघल जाएगा, और अगर हम बहुत नीचे आए तो समंदर की लहरों से हमारे पर भीग जाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ साथ ही रहना, डीडलिस ने इकरिस को ताकीद करते हुए कहा। अगले दिन खौफ और खुशी के बीच झूलते हुए शाहीनों की तरह अपने पर फैलाए डीडलिस और इकरिस ने उड़ान भरी। पलक झपकते ही उनके पैरों ने जमीन से नाता तोड़कर नीले आसमान से दोस्ती कर ली। हवा ने उन्हें कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। ये किसी मौजजे से कम नहीं था कि वो दोनों साइंस और फिजिक्स के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बादलों को चीरते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थे। डीडलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। इकरिस को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिन परिंदों को वो हसरत भरी निगाहों से छत पर खड़ा देखा करता था, आज वो उन्हीं परिंदों के साथ उड़ रहा था। इकरिस इस कुवत को आजमाना चाहता था। उसने हवा में कलाबाजियां खाना शुरू कर दिया। डीडलिस के डांटने के बावजूद उसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और ऊपर जाना शुरू कर दिया। डीडलिस उसे समझाता रहा, मगर इकरिस के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वो तो बादलों के साथ आंख मचोली खेलने में मसरूफ था। अचानक कुछ पर इकरिस के बाजुओं से टूटकर गिरे। एक पल के लिए उसका तवाजुन बिगड़ा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने फौरन रफ्तार कम करने के लिए अपनी सिमत बदली और नीचे आने की कोशिश की, मगर एक एक करके और पर टूट कर गिरने लगे, और इस बार वो ऐसे लड़खड़ाया कि खुद को बचा नहीं सका। इकरिस मदद के लिए डीडलिस को पुकारता रहा, मगर बेबस डीडलिस अपने ही हाथों से बने शाहकार को रेत की दीवार की तरह बिखरते हुए देखता रहा और कुछ ना कर सका। उसने अपनी आंखों के सामने अपने लखते जिगर को लुकमाए अजल बनते हुए देखा। इकरिस के साथ साथ डीडलिस की आंखों से जारी आंसू भी समंदर में मिलकर फना हो गए। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही।
आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। Until then, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।